आज आपसे रूबरू होने का मकसद बस इतना है कि जो इस वक्त बीमारी फैली हुई कोरोना नामक बीमारी एक वायरस है जो हमारे समाज में फैल चुका है और ये बहुत ही खतरनाक है, उसी के बारे में आपसे मैं रूबरू हो रहा हूँ। ये कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। ये महामारी चाइना से शुरू होकर भारत तक पहुँची है और भारत में अब यह तीसरे फेज में है, जिसमें आम जनता से फैलने का ज़्यादा खतरा होता है और आम जनता में इसका फैलाव शुरू हो जाता है तो इसके परिणाम बहुत भयानक होते हैं, जैसा कि आप चाइना, इटली, ईरान को देखने को मिल रहा है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, बहुत ही ज़रूरत हो तभी बाहर आएँ, वरना आप अपने आप को, अपने परिवार को संकट में डाल सकते हैं। आप अपने परिवार आसपास सफाई का ध्यान रखें, हर घंटे हाथ धुलें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हैंड वॉश करें, हैंड वॉश कम से कम 20 सेकंड तक करें, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर किसी को खांसी, बुखार या सांस लेने में कोई परेशानी हो तो अपने निकटतम अस्पताल में चेक कराएं। और इस आपदा की घड़ी में मैं और मेरा पूरा अस्पताल का परिवार आपके साथ 24 घंटे खड़ा है। जिला में या प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या को देखते हुए शासन प्रशासन से मैं अपील करना चाहता हूं, जब भी मेरे इस अस्पताल की ज़रूरत पड़े शासन प्रशासन पूरी तरह से उसको ले सकता है, मैं इसके लिए तैयार हूं। धन्यवाद। देखो सर,